अटूट दोस्ती, अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट। पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा साथी है, जो हर मोर्चे पर उसका साथ देता है। यह दोस्ती अमेरिका द्वारा दी जाने वाली भारी सैन्य सहायता, खुफिया जानकारी शेयर करने और कूटनीतिक समर्थन में दिखती है। हर साल वॉशिंगटन से जेरूसलम अरबों डॉलर भेजे जाते हैं, जिससे इसराइल की रक्षा क्षमता और तकनीकी बरहत मजबूत होती है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता इसराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आर्थिक मदद के अलावा दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। यह सहयोग उनके सशस्त्र बलों के बीच तालमेल को बढ़ावा देता है, से उनकी रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है। अमेरिका अस्थिर मध्य पूर्व में एक सुरक्षित और शक्तिशाली इसराइल को स्थिरता का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानता है। इस अटूट समर्थन की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन और इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में अमेरिका की भूमिका के बारे में बहस छिड़ गई है। फिर भी अमेरिका इसराइल संबंध अमेरिकी विदेश नीति की आधारशिला बना हुआ है। ऐतिहासिक संबंध और साझा हित रिश्ते की नींव। अमेरिका इसराइल गठबंधन की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो ऐतिहासिक अनुभवों और रणनीतिक हितों के मेल से जुड़ी हुई हैं। होलोकॉस्ट के बाद इसराइल का निर्माण अमेरिकी विवेक के साथ प्रतिबद्ध हुआ, जिससे नए यहूदी राज्य का समर्थन करने के लिए नैतिक दायित्व की भावना पैदा हुई। साझा मूल्यों से परे दोनों देशों को लोकतंत्र और मुक्त बाजारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में समान आधार मिला। शीत युद्ध के दौरान इसराइल ने मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गठबंधन का रणनीतिक महत्व और मजबूत हुआ। क्षेत्रीय संघर्षों से लेकर राजनीतिक उथल पुथल तक इस रिश्ते ने कई तूफानों का सामना किया है। अमेरिका ने इसराइल को हमेशा एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा है, खुफिया जानकारी साझा की है, सैन्य रणनीति का समन्वय किया है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक राजनयिक ढाल प्रदान की है। हालांकि यह स्थायी साझेदारी मध्य पूर्व की जटिलताओं से लगातार परेशान है, जो इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और क्षेत्रीय शांति पर प्रभाव के बारे में सवाल उठाती है। एक जटिल हकीकत इसराइल में ईसाइयों के अनुभव। यह एक ऐसा देश है जो धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का दावा करता है, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। जबकि इसराइल को धार्मिक स्वतंत्रता पर गर्व है, यह दावा अक्सर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच परखा जाता है। इसकी सीमाओं के भीतर ईसाइयों की स्थिति एक अलग तस्वीर पेश करती है। यहाँ के ईसाई समुदायों की कहानियां विविध और जटिल हैं। जहाँ कुछ ईसाई समुदाय फलते फूलते हैं, वहीं दूसरों को चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव कभी कभी सूक्ष्म होता है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होते हैं। विशेष रूप से फिलिस्तीनी ईसाइयों के अनुभव अक्सर व्यापक इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से जुड़े होते हैं। यह संघर्ष उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और उनके समुदायों को विभाजित करता है। भूमि के स्वामित्व, पवित्र स्थलों तक पहुंच और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दों ने तनाव पैदा कर दिया है। ये मुद्दे न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हैं। कुछ ईसाई खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं, जो प्रमुख यहूदी बहुसंख्यकों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच फंसे हुए हैं। यह स्थिति उनके आत्मसम्मान और पहचान को प्रभावित करती है। इन अनुभवों ने उत्प्रवास को बढ़ावा दिया है, खासकर फिलिस्तीनी ईसाइयों के बीच, जो बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाने का विकल्प चुनते हैं, जिससे पति किस्से का होली लैंड में उनके समुदायों के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। यह चिंता न केवल धार्मिक नेताओं बल्कि आम नागरिकों के बीच भी है। इजरायली सरकार सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, लेकिन इस प्रतिबद्धता को वास्तविकता में बदलना एक कठिन कार्य है। हालांकि ईसाई अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना
एक जटिल चुनौती बनी हुई है। यह चुनौती न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। उनकी स्थिति इजरायली समाज के भीतर मौजूद चल रहे तनाव और असमानताओं को उजागर करती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन को और गहरा करती है, जो पहले से ही जटिल धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक और परत जोड़ती है। यह परिदृश्य न केवल इजरायल के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 4, सत्ता के गलियारों में एक आवाज, यहूदी लॉबी का प्रभाव। अमेरिका में यहूदी समुदाय का अमेरिकी विदेश नीति पर काफी प्रभाव है, खासकर जब इजरायल की बात आती है। यह प्रभाव दशकों से बना हुआ है और समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। संगठनों, राजनीतिक कार्रवाई समितियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से यहूदी लॉबी ने एक मजबूत और संगठित उपस्थिति बनाई है। इजरायल समर्थक लॉबी सक्रिय रूप से सांसदों के साथ जुड़ती है, जिससे वे नीतियों को प्रभावित कर सके। यह लॉबी विभिन्न तरीकों से काम करती है, जैसे कि व्यक्तिगत बैठकें, दान और राजनीतिक समर्थन। जनता की राय बनाती है और उन नीतियों की वकालत करती है जो इजरायल के हितों का समर्थन करती है। ये सैन्य, यह लॉबी मीडिया और सार्वजनिक मंचों का भी उपयोग करती है। यह बेहद प्रभाव कांग्रेस में इजरायल के लिए अटूट विदलीय समर्थन और पर्याप्त सहायता के निरंतर आवंटन में स्पष्ट है। दोनों पार्टियों के नेता इजरायल के समर्थन में एकजुट होते हैं। लॉबी की प्रभावशीलता मतदाताओं को जुटाने, राजनीतिक अभियानों में योगदान करने और इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के इर्द गिर्द आख्यान को आकार देने की क्षमता से उपजी है। यह लॉबी चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रभाव कभी कभी बहस को दबा सकता है और संघर्ष पर वैकल्पिक दृष्टिकोणों को सीमित कर सकता है। वे कहते हैं कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो सकता है। वे उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां असंतुष्ट आवाजों पर यहूदी विरोधी होने के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिससे बोलने की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। यह एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है, जिससे बोलने की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। यह मुद्दा अक्सर सार्वजनिक बहस और कानूनी मामलों में सामने आता है। यहूदी लॉबी का प्रभाव गहन जांच और बहस का विषय बना हुआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू राजनीति, विदेश नीति और संगठित वकालत की शक्ति के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है। यह एक ऐसा विषय है जो समय समय पर सुर्खियों में आता रहता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू राजनीति, विदेश नीति और संगठित वकालत की शक्ति के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो भविष्य में भी महत्वपूर्ण बना रहेगा। भाग 5, अमेरिकी परिदृश्य को आकार देना, इजरायली अमेरिकी अरबपतियों का प्रभाव। इजरायली अमेरिकी अरबपतियों ने अमेरिकी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और वित्त से लेकर रियल एस्टेट और मनोरंजन तक। उनकी उपस्थिति और प्रभाव ने इन उद्योगों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिससे नई नौकरियों का सृजन हुआ है और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उनकी उद्यमशीलता की भावना पूंजी और नेटवर्क तक उनकी पहुंच के साथ नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये अरबपति न केवल अपने व्यवसायों को बढ़ाने में सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप्स और नई तकनीकों में भी निवेश किया है, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिला है। ये व्यक्ति अक्सर इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं, परोपकारी कारणों का समर्थन करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके हितों की वकालत करते हैं। उनके निवेश और परोपकारी प्रयासों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। उनका प्रभाव व्यापार जगत से आगे तक फैला हुआ है। सांस्कृतिक रुझानों, परोपकारी प्राथमिकताओं और राजनीतिक प्रवचन को आकार देता है। वे कला, शिक्षा
और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी योगदान देते हैं, जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं पर उनका प्रभाव स्पष्ट होता है। हालांकि उनकी सफलता ने जांच को भी आकर्षित किया है, विशेष रूप से आय असमानता और राजनीतिक शक्ति पर धन के प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के प्रकाश में। उनकी संपत्ति और शक्ति ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए स्वस्थ है। आलोचकों का तर्क है कि उनके राजनीतिक योगदान और पैरवी के प्रयास उनके स्वयं के हितों को अनुपातहीन रूप से लाभान्वित कर सकते हैं, कभी कभी व्यापक सामाजिक आवश्यकताओं की कीमत पर। यह बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या उनकी गतिविधियां समाज के लिए समग्र रूप से लाभकारी हैं या केवल एक छोटे समूह के लिए। इजरायली अमेरिकी अरबपतियों का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में धन, शक्ति और राष्ट्रीय पहचान के बीच जटिल और विकसित संबंध को दर्शाता है। यह संबंध समय के साथ और भी जटिल होता जा रहा है, जिससे यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भविष्य में यह कैसे विकसित होगा और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।